नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। आज की वीडियो में जो मैच मैं कवर करूंगा वो मैच है दोस्तों ECS T10 ड्रेसडन का 29वां और 30वां मुकाबला जो यहां पर खेला जाने वाला है टीम USGC वर्सेस टीम BER के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टीम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन सा रहेगा, कौन सा प्लेयर अपनी टीम के लिए ओपन करने आएगा, कौन से प्लेयर अपनी टीम के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे, कौन से प्लेयर आपके लिए जैकपॉट बन सकते हैं, किस प्लेयर को हम हेड टू हेड टीम में एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करें और किस प्लेयर को हम लोग अपनी GL टीम में रखें। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मैं वीडियो के अंदर देने वाला हूँ और अगर आप लोग इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस मैच की फाइनल अपडेट की, फाइनल टीम की आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर करेंटली 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहां पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा जिसको सर्च कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बात की जाए दोस्तों दोनों टीम्स के प्रीव्यू की, तो अगर मैं बात करूं टीम USG की तो ये भी करेंटली 4th पोजीशन पे हैं टूर्नामेंट में, जबकि बात करूं मैं बर्लिन की तो ये भी टॉप पोजीशन पर है। टीम USG ने टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं जहां पर वो अपना एक मुकाबला जीते हैं और एक मुकाबला हारे हैं। बर्लिन ने अपने इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले खेले जिसमें से ये अपने सारे मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला इनका बारिश के कारण रद्द किया गया था। वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूं तो आज यहां पर देख सकते हैं 33% चांसेस हो सकते हैं रेन के, तो आप समझ सकते हैं ना के बराबर कह सकते हैं आप चांस हैं, तो आपको एक प्रॉपर मैच देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विकेट की मैं बात करूं तो जो सरफेस है रग्बी क्रिकेट ड्रेसडन की वो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है जहाँ पर बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिलती है। शुरुआत के ओवर्स में यहाँ पर आपको पेसर्स को मदद देखने को मिलेगी, जैसे जैसे ओवर्स होते जाएंगे आपको स्पिनर्स फ्रेंडली पिच मतलब बनती चली जाएगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे मात्र 90 रनों का है। जो भी टीम चेस करती है उसका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 80% चांसेस हैं जो भी टीम चेस करेगी वो विन कर जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा टीम USG के प्लेइंग 11 की, तो इनकी ओर से पहला नाम आपके लिए आने वाला है ए सम्मत स्तनिकज़ाई का। राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग कराते हैं। 2 मैचेस टूर्नामेंट में खेले हैं, दोनों मैचेस में 39 और 45 रन बनाए हैं और दोनों मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। गोपीनाथ मनोहरन की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबलों में 26 और 3 रन इन्होंने बनाए हैं और इन्होंने भी बॉलिंग नहीं कराई है। GN खान की मैं बात करूं तो इन्होंने भी दोनों मैचेस में 8 और 14 रन बनाए हैं। वरुण सोरांगवी की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में इन्होंने 20 रन आबाद बनाए, बॉलिंग नहीं की। दूसरे मैच में इन्होंने 22 रन बनाए, 1 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाल लिए। अब्दुल अंदर की मैं बात करूं तो ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग कराते हैं। पहले मुकाबले में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, विकेट लेस रहे, 9 रन बनाए। दूसरे मैच में भी इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर भी विकेट नहीं मिला और 1 रन इन्होंने बनाया। राजेश नागराज की मैं बात करूँ जो कि अपनी टीम के कैप्टन है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा सकते हैं। पहले मैच में देखिए इन्होंने 9 रन बनाए और 1 ओवर की बॉलिंग करके विकेट निकाला। दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और 3 रन बनाए। महमूद इबादुल्ला की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराता है। पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट लेस रहे। दूसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट मिला और 5 रन भी बनाए। संदीप गौड़ा की मैं बात करूं जो कि विकेट कीपर है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। पहले मैच में बैटिंग नहीं मिली, दूसरे मैच में बैटिंग करने आए तो मात्र 2 रन बना पाए। शाहिद रेड्डी की मैं बात करूं तो ये भी राइट हैंड मीडियम बॉलिंग करा सकते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है। पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, विकेट लेस रहे। दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाल लिए। सईदुल्ला अमरखेल की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, विकेट लेस रहे।
दूसरे मैच में कुछ खास नहीं किया। उसके अलावा नाम आएगा आदित्य नारायणन का, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में देखिए इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले। दूसरे मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और 1 रन इन्होंने नाबाद बनाया। तो इनकी ओर से आपके लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर हो सकते हैं, वो देखिए समद हो सकते हैं, उसके अलावा वरुण इंपॉर्टेंट है, राजेश नागराजा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा नीचे से आपके लिए यहाँ पे जो बॉलर्स हैं यहाँ पर शाहिद रेड्डी और उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आदित्य नारायण। तो इनकी ओर से ये 5 प्लेयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात की जाए दोस्तों बर्लिन की, तो इनकी ओर से रोहित ग्रोवर हैं, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। 3 मुकाबले खेले हैं, पहले मुकाबले में फ्लॉप हुए, दूसरे मुकाबले में 40 रन नाबाद, तीसरे मुकाबले में 64 रन बनाए। निक क्रेगर की मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराता है, पहले मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग की, 3 विकेट निकाले और 51 रन नाबाद बनाए। दूसरे मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला, 13 रन बनाए। तीसरे मुकाबले में 1 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और 14 रन बनाए। साहिल लाल की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैटिंग, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं, आप इनके 3 मुकाबले देख सकते हैं, 0, 2, 4 रन इन्होंने बनाए। आवेज जफर की मैं बात करूँ, जो कि कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, 3 मुकाबले में इन्होंने 2, 2 और 1 में 1 ओवर की बॉलिंग की है, जहाँ पर इनको 2 मुकाबले में 1-1 विकेट मिला है। मनीष तिवारी की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैटिंग करते हैं और 2-3 मुकाबले खेले, 1 में 0 रन, 1 में 4 रन नाबाद, 1 में 12 रन नाबाद। करण सिंह में बात करूं तो पहले मैच में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले, दूसरा मैच खेले नहीं, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और 2 रन नाबाद बनाए। ए अनंत राम की मैं बात करूं तो विकेट कीपर हैं, पहले मैच में राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं, पहले मैच में बैटिंग नहीं मिली, दूसरे मैच में भी कुछ खास नहीं किया, तीसरे मैच में बैटिंग का मौका नहीं दिया गया। नाग प्रताप भानंद की मैं बात करूं तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं, पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला, 5 रन बनाए, दूसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की और विकेट नहीं मिला। इमरान बुखारी की मैं बात करूं तो पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले, तीसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट, 1 भी विकेट नहीं निकाला। गौरव की मैं बात करूं तो 3 मुकाबले में कुछ भी खास इन्होंने नहीं किया। तो अगर बात की जाए इनके प्लेयर्स की, तो इनकी ओर से देखिए मुझे कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट लगते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पे दोस्तों आएगा ग्रोवर का, रोहित ग्रोवर का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। निक क्रेगर इंपॉर्टेंट है, आवेज जफर, करण सिंह और 4 ये प्लेयर हो गए, और नीचे से आपके लिए यहाँ पे नाग प्रताप महानंदी, तो ये 5 प्लेयर जो हैं वो इनकी ओर से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो अब्दुल समद तनकजाई राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराता है, टूर्नामेंट में 84 रन बना चुका है। निक क्रेगर की मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराता है बर्लिन के लिए, टूर्नामेंट में 78 रन, 5 विकेट निकाल चुके हैं। इमरान बुखारी की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं, टूर्नामेंट में 8 रन, 3 विकेट निकाल चुके हैं। रोहित ग्रोवर की मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराता है, टूर्नामेंट में 108 रन बना चुके हैं। बात की जाए बेस्ट चॉइसेस फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, तो आप लोग निक क्रेगर, रोहित ग्रोवर को कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी अब्दुल समद, स्तन कजाई, इमरान बुखारी को दे सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 1 लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लें। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, या दोस्तों जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां पर 4300 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहां पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो कमेंट में मिल जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक है, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा सकते हैं। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक काम दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम 11 की ओर, जहाँ पर मैं आपको कमाल की टीम्स क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में देखा जाए तो 2 से 3 विकेट कीपिंग की पिक हैं, लेकिन इन सभी में जो आपके लिए जिम मनोहरन की पिक है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, नंबर 3 या 4 के आसपास, तो इसी कारण से यहाँ पर हम इनको ट्राई कर लेते हैं। उसके अलावा अगर और कोई विकेट कीपर यहाँ पर खेलता है, जैसे यहाँ पर ये चोगोले, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये आपको बॉलिंग कराकर भी दे सकता है। तो अगर ये खेलेंगे तो यहाँ पर मैं जी मनोहरन की जगह पर है चगोले को अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कर लूँगा अगर खेलते हैं तो। बाकी अभी के लिए जो सबसे बेस्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन में पिक है वो यहाँ पे जी मनोहरन की रहने वाली है। इनके अलावा और कोई पिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पर पिक करना चाहेंगे।
बैटिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर करण सिंह को पिक करेंगे। तीनों मुकाबले में इन्होंने हर एक मैच में बॉलिंग कराई है, विकेट भी निकाले हैं, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएगा। दूसरी पिक दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अब्दुल समद तनकज़ाई की हो सकती है। दो मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले में 40 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हैं और बॉलिंग भी करा लेते हैं, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिक करके चलेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वी सोरंगानवी की पिक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं, इनको भी करेंगे। आखिरी जो भी यहाँ पर आएगी रात दोस्तों वो ग्रोवर की आएगी, आप लोग इनको भी करके चलिए, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा के दे सकते हैं, इसलिए इनको भी पिक करके चलेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पिक निकल के आती है आपके लिए आर नागराजा की, तो ये भी देखिए दो ओवर की बॉलिंग कराते हैं और अपनी टीम के कैप्टन है, तो कभी भी अपना बैटिंग ऑर्डर प्रमोट कर सकते हैं। दो मुकाबले खेले हैं, दोनों मुकाबले में इन्होंने काफ़ी शानदार पॉइंट किए हैं, तो अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो आगे आपको किसी एक अच्छे ऑलराउंडर या फिर एक अच्छे बॉलर को अपनी टीम से ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर मुझे आगे कोई एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिलता है तो ज़रूर यहाँ पर मैं आर नागराज को करूंगा, बाकी अगर मुझे आगे कोई एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाता है तो यहां पर हमें आर नागराज को ड्रॉप करना पड़ेगा, बाकी और कोई भी यहां पर ड्रॉप करने वाली नहीं है जिसको आप ड्रॉप कर सकें। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए आपके लिए यहां पर बुखारी इंपॉर्टेंट पिक है, पिक करके चलना है आपको इनको। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम एस कुसुम कुतला को पिक करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दो ओवर की बैटिंग और बॉलिंग कराते हैं। बाकी नीचे से अगर आप पिक करना चाहते जी खान को ले सकते हैं, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है, सिर्फ इन्होंने बैटिंग की है, तो इसीलिए मैं इनको पिक नहीं करूँगा। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एन महानंदी को पिक कर सकते हैं, तीन मुकाबले इन्होंने भी खेले पर इन्होंने सिर्फ पहले मुकाबले में दो ओवर की बॉलिंग कराई है, उसके बाद इन्होंने एक एक ओवर की बॉलिंग कराई है, तो अगर आप इनको लेना चाहें ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर विमल की पिक है, जिन्होंने टूर्नामेंट में एक ही मुकाबला खेला जहाँ पर इन्होंने चार विकेट निकाल लिए थे, तो अगर आप ट्राई करना चाहें इनको भी अपनी टीम में कर सकते हैं, हो सकता है कि इस मुकाबले में भी ऐसा काम कर जाए। तो अगर आप यहाँ पर इनको पिक करना चाहें महानंदी को पिक कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑलराउंडर मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है जिसको आप पिक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए अंदर की, तो इनकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए ए अंदर की, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने पहले मैच में एक ओवर की बॉलिंग की, नौ रन बनाए, दूसरे मैच में दो ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर भी विकेट नहीं मिला और एक रन इन्होंने बनाया, तो बॉलिंग करा रहे हैं पर इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। तो आप अगर ट्राई करना चाहें तो अपनी टीम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दो दो ओवर की बॉलिंग स्पेल कराइए। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मैं आदित्य नारायण को भी करूँगा, इन्होंने पहले ही मुकाबले में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, काफ़ी अच्छी इकनॉमी भी इनकी रही थी, तो इसी कारण से बॉलिंग सेक्शन में जो पहली पिक हमारे लिए रहेगी वो यहाँ पर आदित्य नारायण की रहेगी। दूसरी पिक यहाँ पर दोस्तों मेरे लिए ये जफर की रहेगी, मैंने आपको बता दिया अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी जो मेरी लास्ट पिक रहेगी वहाँ पर क्रेगर की रहेगी, तो यहाँ पर मैं इनको ट्राई कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अभी एक प्लेयर लेने का ऑप्शन बच जाता है, तो आप चाहें तो ऑलराउंडर सेक्शन में किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, वो प्लेयर चाहें तो आपके लिए यहाँ पर ए अंदर हो सकते हैं या फिर महानंदी हो सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ राजेश नागराज की कि आपको इनको अपनी टीम में क्यों पिक करना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो इन्होंने देखिए पहले मैच में एक ओवर की बॉलिंग की, ये विकेट निकाला, दूसरे मैच में दो ओवर की बॉलिंग की और वहाँ पर भी इन्होंने विकेट निकाल लिया, तो यानी आपको ये विकेट निकाल कर दे देते हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर मैं इनको पिक करने वाला हूँ। बाकी अगर आप चाहें तो बर्लिन की ओर से महानंदी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी बात की जाए इस टीम की प्रीव्यू की और कॉम्बिनेशन की, तो दोस्तों मैंने अपनी इस टीम में 6 प्लेयर USGC के रखे हैं, 5 प्लेयर मैंने यहाँ पर BER के रखे हैं। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 5 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार किया है। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूं तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने जी मनोहरन को रखा है, जो कि अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, साथ में नंबर 3 या 4 पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने के सिंह को रखा है, एक या दो ओवर की बॉलिंग कराएगा और बैटिंग करेगा। एस तनकज़ाई को रखा है, जो कि आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करके दे सकते हैं और बॉलिंग करा के दे सकते हैं। वी सोरंगानवी को रखा हुआ है, जो भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं। उसके अलावा राजेश नागराज को रखा है, ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं। आज ग्रोवर को रखा है, आपको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करता हुआ नजर आ जाएगा और बॉलिंग कराएगा। उसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने अबरेस कुसुकुंतला को रखा है, ये भी आपको दो ओवर की बॉलिंग करके देते हैं। बुखारी को रखा है, ये भी आपको दो ओवर की बॉलिंग और बैटिंग करके दे देंगे। बॉलिंग सेक्शन से मैंने दोस्तों यहाँ पर ये नारायण को रखा हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपको बैटिंग अच्छी खासी और बॉलिंग डेथ ओवर में करा के दे देगा और पावर प्ले में। बाकी मैंने जफर को रखा है, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है बॉलिंग ऑप्शन से। और क्रेगर को रखा है, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, आप फिर नंबर 3 पर आके बल्लेबाजी कर सकते हैं और ये भी आपको दो ओवर की कन्फर्म बॉलिंग करके दे सकते हैं। अब बात की जाए अपनी इस टीम में मैं किस प्लेयर को कैप्टनसी और किस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टनसी प्रोवाइड कराऊंगा, तो कैप्टनसी का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्रेगर को लोगों ने दे रखा है, आप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आज ग्रोवर को कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि जो क्रेगर है वो उनकी जो बैटिंग है वो थोड़ा सा लेट आती है या फिर ओपन करने आ सकते हैं, लेकिन ये बैट्समैन नहीं है, एक बॉलर हैं, तो ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बैटिंग से। बाकी अगर बॉलिंग से 2-3 विकेट निकाल लेते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन मैं कैप्टन यहाँ पर दोस्तों आज ग्रोवर को रखूँगा, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। अभी तक जो भी मुकाबले खेले सभी मुकाबलों में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, देख सकते हैं आप लोग, इन्होंने अपने 4 मुकाबले खेले, सभी मुकाबलों में इन्होंने शानदार परफॉर्म किया है।
तो इसी कारण से यहाँ पर मैं इनको कैप्टनसी देने वाला हूँ, क्योंकि टॉप ऑर्डर पर बैटिंग और दो ओवर की बॉलिंग ये कंफर्म देंगे। और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं क्रेगर को बना दूंगा। बाकी आप लोग यहाँ पर अब्दुल समद कज़ाई को बना सकते हैं इनको, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टूर्नामेंट में इन्होंने अभी तक बॉलिंग नहीं कराई, ओनली बैटिंग की, और इनकी टीम के पास काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन भी हैं। तो अगर इनकी बॉलिंग आएगी तो एक ही ओवर की इनको मिलेगी। तो मैं अपनी इस टीम को सेव कर लेता हूँ, आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू लेने जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हो। यही मेरी टीम दोस्तों हेड टू हेड की रहेगी और यही मेरी टीम दोस्तों जीएल की रहेगी। मैं ऑलवेज T10 में एक ही टीम को फॉलो करता हूँ जिसको मैं जीएल और हेड टू हेड में लगाता हूँ। बाकी इस टीम अगर आप कुछ अलग करना चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेट कर सकते हैं, बाकी और कोई काम मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपको करना चाहिए। तो एक बार आप लोग हमारे इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रीव्यू ले लें, जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को जाकर सेव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद, तो जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहाँ पर दोस्तों 4500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको जो लिंक है वो कमेंट में मिल जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च करके भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट की हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जितने भी मैचेस हो, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।